ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन का ऐतिहासिक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला आरंभ हो गया है। सोलन की देवी सोनली देवी अपनी बहन से मिलने के लिए नगर भ्रमण कर दुर्गा माता मंदिर पहुंची। आस्था का प्रतीक इस मेले में हजारों लोग माता के इस भ्रमण में उनके साथ निकले। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर शहरवासी नाचते गाते अपनी माता को पालकी में उठाकर सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए बेहद उत्साहित दिखे। सोलन का ऐतिहासिक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला आरंभ हो गया है। सोलन की देवी शूलनी देवी अपनी बहन से मिलने के लिए नगर भ्रमण कर दुर्गा माता मंदिर पहुंची। आस्था का प्रतीक इस मेले में हजारों लोग माता के इस भ्रमण में उनके साथ निकले। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर शहरवासी नाचते गाते अपनी माता को पालकी में उठाकर सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए बेहद उत्साहित दिखे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। माता की पूजा अर्चना करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि माता शूलनी आज अपनी बड़ी बहन से मिलने निकली हैं और सभी शहरवासी अपनी नजरें बिछाए माता का स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज उनके लिए सौभाग्य का दिन है, उन्हें भी शूलनी माता का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। उन्होंने अपनी और मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को मेले की बधाई दी और सभी के मंगल भविष्य की कामना भी की। माता शूलनी आज नगर भ्रमण के साथ अपनी बड़ी बहन माता दुर्गा से मिलने के लिए जा रही हैं। लाखों लाखों लोग महामाई के दर्शन के लिए उमड़े हैं, सैकड़ों भंडारे लगे हैं और सभी लोग अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार महामाई के पूजन अर्चन में लगे हुए हैं। आज का दिन सौभाग्य का दिन है। मैं इलाका वासियों को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की ओर से और अपनी ओर से समस्त इलाका वासियों को बधाई। आज का दिन हिमाचल में खुशियां लेकर के आए और पूरा साल सुख समृद्धि लेकर के आए, ऐसी शुभकामनाएं दें। तो ये था आज दिन का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।